genetics. In this lecture we are going to discuss mutation. Previous lecture mein linkage ke types aur kuch chromosomal kuch disease jo syndromes the unka discuss kiya tha. Is lecture mein म्यूटेशन से होने वाले जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. म्यूटेशन के टाइप्स डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे. म्यूटेशन इज द सडन चेंज विच आर हेरिडेटरी. म्यूटेशंस आर द सडन चेंजेस विच आर हेरिडेटरी. तो म्यूटेशन कुछ ऐसे सडन चेंजेस हैं जो हेरिडेटरी होते हैं. अब एक चीज़ ये भी इसमें इंक्लूड हो सकती है कि अगर कोई सडन चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म में और वो हेरिडेटरी नहीं होता है तो उसको ओनली वेरिएशन कंसिडर करेंगे. और कोई एक स्लो प्रोसेस है जिसमें धीरे 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 चेंजेस आ रहे हैं और एक टाइम के बाद में एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पीशिएशन हो रहा है, एक नया कैरेक्टर शो हो रहा है, तब भी वो वेरिएशन होगा. तो म्यूटेशन की एक सिंपल सी कंडीशन है, वो दो कंडीशंस हैं और ये दो ही कंडीशंस याद रखनी है, सडन चेंजेस एंड हेरिडेटरी. तो यहाँ पर म्यूटेशन के टाइप अगर डिस्कस करते हैं तो जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. तो यहाँ पर ये जो चार्ट है ये एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा, काफ़ी बड़ा है ये, तो इसको दो लेक्चर में मैंने डिवाइड किया. इस लेक्चर में म्यूटेशन स्टार्ट किया है और यहाँ पर जीन म्यूटेशन की बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात करेंगे. यहाँ पर बात कर रहे हैं म्यूटेशन की, इसमें जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन जो जीन का हो रहा है, वॉट डू मीन बाय जीन? जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डी एन ए. डी एन ए का जो फंक्शनल पार्ट होता है इसमें कई सारे नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. आपने अगर डी एन ए के बारे में पढ़ रखा है, डी एन ए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये समझ में ईजीली आ जाएगा. क्योंकि अगर आपको कोडोन्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर ये समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. मेरे किसी और लेक्चर में कोडोन्स के बारे में भी बताया है, तो वो लेक्चर पहले देख कर फिर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि कोडोन का पता होना ज़रूरी है. बिना कोडोन के ये थोड़ा सा टिपिकल टास्क है इसको समझना. तो जीन म्यूटेशन जो जीन के कारण हो रहा है, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको जीन कहते हैं. और जो फंक्शनल पार्ट है, डीएनए वैसे पूरा नाइट्रोजन बेसिस से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, जिसमें नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट होते हैं. ये डीएनए वाले पार्ट में पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट और ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको. तो यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, पूरे डीएनए पर इस तरह की सीक्वेंसेज होती है, ए टी जी सी, फोर टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. सिमिलरली आरएनए के अंदर, एमआरएनए की जब बात करेंगे तो आरएनए के अंदर भी यही फोर टाइप के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, बट उसमें टी की जगह पर यू होता है. तो आरएनए में एयूजीसी एंड डीएनए में एटीजीसी. ये नाइट्रोजन बेसिस कितनी भी बार, रिपीटेटिव टाइम, बहुत सारे, कोई भी सिक्वेंस हो सकता है, होता है. तो इस तरह से ये जीन में म्यूटेशन जो हो रहा है वो जीन म्यूटेशन, और क्रोमोजोम में होने वाले म्यूटेशन क्रोमोजोमल म्यूटेशन. सबसे पहले बात करते हैं जीन म्यूटेशन की. इसमें भी दो टाइप है, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट. पॉइंट म्यूटेशन जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रहा है, वहाँ एक नाइट्रोजन बेस रिप्लेस हो रहा है. सिंपल सी कंडीशन इतनी सी है यहाँ पर, कि जो पॉइंट म्यूटेशन है उसमें एक नाइट्रोजन बेस अपनी पोजिशन से रिप्लेस होगा, कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस उसकी जगह पर आ जाएगा और वो वहाँ से हट जाएगा. जब बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट की, तो फ्रेम शिफ्ट में कोई भी एक नाइट्रोजन बेस का डिलीशन या एडिशन हो जाएगा. डिलीशन या एडिशन होने से फ्रेम शिफ्ट हो जाती है. कैसे होगी उसकी बात आगे करेंगे. तो पहले बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की. पॉइंट म्यूटेशन में फर्दर टाइप्स हैं, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, मिससेंस, सेमसेंस एंड नॉनसेंस. सबसे पहले ट्रांजिशन. ट्रांजिशन की कंडीशन इतनी सी है, प्योरिन की जगह प्योरिन, पायरिमिडिन की जगह पायरिमिडिन आते हैं. अब ये प्योरिन पायरिमिडिन क्या है, मैंने पहले अभी बताया आपको. अगर आपको कोडोन्स के बारे में नॉलेज है, मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रखी है, तो ही ये लेक्चर समझ में अच्छे से आएगा, नहीं तो हल्का हल्का ही समझ में आएगा. मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, हमारे डीएनए के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट. नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के होते हैं, प्योरिन एंड पायरिमिडिन. प्योरिन है ए एंड जी, पायरिमिडिन है सी यू एंड टी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन. तो ये प्योरिन एंड पायरिमिडिन्स हैं. अब इसको ध्यान रख के इसको पढ़ सकते हैं. ट्रांजिशन का मीनिंग ये है कि जब प्योरिन की जगह प्योरिन आ जाएगा, एक नाइट्रोजन बेस जो प्योरिन था उसको हटा के उसकी जगह दूसरा प्योरिन आ गया, या फिर पायरिमिडिन की जगह पर दूसरा कोई पायरिमिडिन आ गया. इसका एक एग्जांपल जैसे ए टी जी सी टी है, तो यहाँ ए की जगह पर जी आ गया, तो ए प्योरिन है, इसकी जगह दूसरा प्योरिन जी आया है.
यहाँ सी इस टी की जगह पर सी आया तो टी भी पायरिमिडिन है, उसकी जगह आने वाला सी भी पायरिमिडिन है, तो टी की जगह सी आया है यहाँ पर, तो ये ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन है। नेक्स्ट कंडीशन इसके अंदर बात करेंगे ट्रांसवर्जन की। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन पायरिमिडिन एक्सचेंज होते हैं, प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ सकता है और पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ सकता है। तो इस कंडीशन में जैसे एक एग्जांपल मैं इसी का लेता हूँ, ए टी जी सी टी, तो यहाँ पर जैसे टी की जगह जी आया है और जी की जगह सी, तो प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन एंड पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया। नेक्स्ट कंडीशन मिससेंस। मिससेंस के अंदर एक सिंपल सी चीज़ और मैंने अभी कहा, जैसे कोडोन्स का बताना ज़रूरी है, ईच कोडोन कोड्स अमाइनो एसिड, हर एक कोडोन एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो कोई भी कोडोन होगा वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो सिंपल सी कंडीशन, जैसे एक एग्जांपल है जी ए जी, ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, इसकी जगह ए की जगह पॉइंट म्यूटेशन हुआ, ए की जगह यू आ गया, जी यू जी, ये कोड करता है वैलिन को, तो अमाइनो एसिड चेंज हो गया। तो ऐसी कंडीशन जिसमें अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है वो है मिससेंस म्यूटेशन। ये एक डिजीज़ कॉज करता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता ये है कि वहाँ पर हमारे हीमोग्लोबिन के 11th क्रोमोसोम की बीटा ग्लोबिन चेन में जो 6th पोजीशन का अमाइनो एसिड है वो है जी ए जी, इसको कोड करने वाला कोडोन है जी ए जी, और वहाँ आ जाता है जी यू जी। तो इस कंडीशन में सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, और ये उन्हीं लोगों को होता है जिनमें HBS होमोलोगस क्रोमोसोम होमोलोगस कंडीशन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे सेम सेंस का मीनिंग ये है कि एक कोडोन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हुआ, दूसरा कोडोन आया, और इसके आने के बाद भी अमाइनो एसिड चेंज नहीं होगा, मतलब सिंपल सी कंडीशन दोनों जो कोडोन्स हैं वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे यू यू यू, ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, यू यू सी आ गया इस यू की जगह, लास्ट वाले यू की जगह, तो यहाँ पर भी ये सेम अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहा है फिनाइल एलेनिन को। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ मिससेंस। इसमें कोई भी इसको सेम सेंस, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेम सेंस, इसमें किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं। एंड द लास्ट नॉन सेंस जैसी हरकतें हैं इसकी। सिंपल सी कंडीशन उसमें यह है कि यहाँ पर एक जो सिक्वेंस है नाइट्रोजन बेसिस की, इसमें म्यूटेशन हो रहा है और बन रहा है स्टॉप कोडोन। अब एक्चुअल में फिर से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कहीं और ले जाकर, जब कोडोन्स की बात करते हैं तो 64 कोडोन्स होते हैं टोटल, और ये 64 कोडोन्स बनते हैं यू सी ए जी की, तो यू सी ए जी का ये कोडोन बन रहा है, तो इनमें से 64 में से 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो स्टॉप कोडोन है, ये लिखे हैं यहाँ पर यू ए जी यू जी ए यू ए ए, तो इनमें से कोई भी अगर आ जाता है तो प्रोसेसिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन वहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ए यू सी सी यू ए यू ए सी ए ए जी, तो इस सी की जगह अगर जी आ जाता है तो ये एक स्टॉप कोडोन बन गया, जबकि स्टॉप कोडोन बीच में नहीं है। ये बहुत लंबी सीक्वेंस है, मैंने इतनी सी बनाई है, बट ये एक बहुत लंबी सीक्वेंस है, तो कभी भी बीच में स्टॉप कोडोन नहीं आना चाहिए कि हमारे ने, बट यहाँ पर अगर आ रहा है तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ नॉन सेंस म्यूटेशन। अब बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट की। तो फ्रेम शिफ्ट के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। यहाँ मैं कोडोन नहीं लेता हूँ, मैं कुछ और कोडोन की जगह एक कुछ और चीज़ लेता हूँ। जैसे मैंने लिया, मैं अल्फ़ाबेट्स ले रहा हूँ, मैंने यहाँ अल्फ़ाबेट्स लिए हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं आर ए एम एच ए एस आर ई डी सी ए पी। तो अगर इसको एक अगर कोडोन मानते हैं तो सिंपल सी कंडीशन, ये 5', ये 3', और ये इस तरह से बनेगा राम हैज़ रेड कैप। बट अगर कंडीशन ये होती कि यहाँ पर एक एडिशन हो जाता है, मैं कहीं पर भी कुछ एक्स का एडिशन किया, मैंने एक एक्स का एडिशन किया यहाँ पर इस कंडीशन में इस जगह पर, तो अब बनेगा ये तो ये कंडीशन है।
अब अगर मैं कोडोन बनाता हूँ, कोडोन की कंडीशन हमेशा ये होती है, कोडोन थ्री के पेयर होते हैं, तीन तीन के ग्रुप होते हैं, और ऑलवेज रीड फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही इसको रीड करते हैं। तो ये तीन तीन का ग्रुप है, जैसे राम हैज रेड कैप, और मैंने रीड कहाँ से किया है, 5 to 3, 3 to 5 कभी भी रीड नहीं करते। इसको भी मैं रीड करूँगा राम, ठीक है। इसके बाद एक्स एच ए एस आर ई डी सी ए, आगे वाले सारे चेंज हो गए। तो अगर कंडीशन ये है, जैसे फ्रेम शिफ्ट की बात करें, यहाँ पर कोई भी एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आगे की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, अगला कोडोन, हर कोडोन अगले के साथ जुड़ जाता है और एक नया कोडोन बनता है, एक नया मनुष्य बनता है। इसकी कंडीशन ज़्यादा ड्रास्टिक है, ये ज़्यादा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस ज़्यादा हार्मफुल हैं पॉइंट म्यूटेशन की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज होता है, वहाँ पूरी सीक्वेंस, आगे की पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, बहुत सारे अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं।